हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे SSC CGL 2016 का Tier 1 का GS का पेपर। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में आपको 2016 और 17 में CGL के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी का Tier 1 का GS का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? ऑप्शन है अमृत, स्वच्छ भारत, आयुष या जनधन योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वच्छ भारत। दरअसल ये योजना पहले भी चली थी 1999 से 2012 तक, और तब इसका नाम था निर्मल भारत अभियान और सम स्वच्छता अभियान, और उसके बाद ये बंद कर दी गई थी और फिर से इसे मोदी सरकार में 2 अक्टूबर 2014 को पुनः प्रारंभ किया गया था। यानी ये पहली पुरानी योजना थी, ये वर्तमान सरकार की नहीं थी, इसे दोबारा स्टार्ट किया गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर है स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान था? चंद्रयान मिशन, आर्यभट्ट मिशन, मंगलयान मिशन या फिली मिशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मंगलयान मिशन। मंगलयान मिशन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन रहा है। इसके द्वारा भारत एशिया का प्रथम देश बन गया है जो मंगल ग्रह पर पहुंचा है, मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है, और अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। तो इसका सही आंसर है मंगलयान मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? वायु के कारण, बादलों के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। इसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा जो वायुमंडल में गैसें होती हैं वो वायुमंडल में बाहर नहीं जा पाती, यानी अंतरिक्ष में नहीं निकल पाती हैं, पृथ्वी पर ही बनी रहती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो पृथ्वी पर बनी रहती हैं, जिस कारण यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ललाट भाग। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? ऑप्शन है इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या एमिलेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एमिलेज। एमिलेज प्रोटोजोआ के अलावा एक ऐसा एंजाइम है जो प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ क्वथनांक पर डैश क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, तापमान नियत रहता है या फिर वाष्प दाब बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तापमान नियत रहता है। नेक्स्ट है, वातावरण का वह स्थान जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन की कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन है उस भाग को हम क्या कहते हैं जो वातावरण का है? तो उसे हम कहते हैं आयनोस्फीयर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, आयनोस्फीयर। ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र है जो 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 60 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? ऑप्शन है शराब पर आबकारी शुल्क, पूंजीगत अभिलाभ कर, सीमा शुल्क या निगम कर। तो इसका सही आंसर है शराब पर आबकारी शुल्क, ऑप्शन नंबर 1, जो कि राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो बताना है जनता के महत्व के लिए कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेष अधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। तो इसे हम कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, कर राजस्व में वृद्धि, जन वितरण प्रणाली में सुधार, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, या अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई? तो ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबोरो या लॉर्ड मेयो। तो सही आंसर है लॉर्ड मेयो। एक कैदी था जिसका नाम अफरीदी पठान कैदी था, उसने कारावास के दौरान अपने साथ हुए भेदभाव का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से इनकी हत्या कर दी थी। कहाँ की थी हत्या? अंडमान द्वीप के पोर्ट विलियर में। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भार अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। यह वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। बाकी सभी उद्देश्य हैं, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित भी करना वित्तीय नीति के अंतर्गत आता है, आमदनी और संपत्ति की समानता को कम करना भी, और रोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई थी 17 नवंबर 1875 में। कब की गई है? 17 नवंबर 1875 इसकी स्थापना की गई है। और किसने की है? मैडम ब्लावत्स्की ने इसकी स्थापना की थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये उस समय सन 2016 में जो करंट अफेयर रहा होगा उस समय उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर उस समय था मतलब बांग्लादेश। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीयों में से 27 जुलाई 2016 को रमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है बेजवाड़ा विल्सन। अब जो 2018 का है वो सोनम बांगचुक को मिला था और भरत वाटवानी जी को मिला है, बाकी उस समय रमन मैग्सेस बेजवाड़ा विल्सन को मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? के एम करियप्पा, सुंदर जी, ए एस वैद्य या जे मोनिका शाह? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, जे मोनिका शाह भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। नेक्स्ट है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका है? गुरु नानक देव का, पोप पाल जी का, महात्मा गांधी जी का या श्रीमती इंदिरा गांधी जी का? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी जी का। ये महात्मा गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये बबीता कुमारी, नरसिंह यादव, पीवी सिंधु या साक्षी मलिक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, साक्षी मलिक। ये पहलवान है, महिला पहलवान, जिन्होंने रियो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम पदक जीता था। इन्होंने उस समय कांस्य पदक जीता था रियो ओलंपिक 2016 में। इसके अलावा अगर आपको खेल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए जैसे एशियन गेम्स या फीफा वर्ल्ड कप, यूथ ओलंपिक, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकती हैं। उसमें हमने सभी गेम्स में भारत की क्या पोजीशन है, कितने पदक मिले हैं, किस खिलाड़ी ने पदक जीता है, सभी के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है और यही अम्लीय वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन से कम जहरीली है, यह नाइट्रोजन से हल्की है, ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित होती है, या ऑप्शन नंबर 4, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, जिस कारण गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है, यानी टेरिलीन में एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन होता है। जैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टेरिफ्थैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आईटी में डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत है, तो यानी डैश पर हमें भरना है। ऑप्शन है डाटा सिक्योरिटी, डाटा अवेलेबिलिटी, डाटा बाइंडिंग या डाटा इंटीग्रिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डाटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है, कांच की प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर पतली परत बन जाती है, जबकि पानी की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्या कारण है इसका। तो ऑप्शन है, पारा एक धातु है, या पारे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, या कांच के साथ पारे की संबद्धता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है, या कांच के साथ पानी की संबद्धता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कांच के साथ पारे की संबद्धता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। नेक्स्ट है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप है ऑप्शन नंबर 1, मालदीव। ये सबसे छोटा द्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से न केवल हिंद महासागर में बल्कि ये एशिया का भी सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। संसद की लोक लेखा समिति, ऑप्शन दिए हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये इसमें लोक लेखा समिति जो होती है इसमें 22 सदस्य हो सकते हैं, और जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य, 15 जो हैं वो लोकसभा के होंगे, और उसके अलावा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये आपका पहला वीडियो था एसएससी सीजीएल जीएस पेपर का, ये स्टार्ट किया गया है। इसमें आगे आपको इसी तरह के वीडियोस मिलेंगे जिसमें एसएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जीएस के पेपर, जो जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें सॉल्व कराया जाएगा। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।